है गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विथ आरके। आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन नेचर चैप्टर का पार्ट 3 यानी कि फाइटो रिमेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बायो रिमेडिएशन और मायो मैग्निफिकेशन पढ़ाया था, तो जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं फाइटो रिमेडिएशन। ये बायो रेमेडिएशन का ही एक टाइप है। सो रेमेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग एनवायरमेंटल डैमेज। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फाइटो रेमेडिएशंस एंड बायो रेमेडिएशंस? बायो रेमेडिएशंस हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बायो रेमेडिएशन और फाइटो रेमेडिएशन के बीच कौन सा डिफरेंस है। सो बायो रेमेडिएशन इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को कंज्यूम करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और पॉल्यूटेड साइट को क्लीन करेंगे। लेकिन फाइटो रिमेडिएशन में हमें कोई माइक्रोब्स का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे प्लांट, यूजिंग प्लांट्स एंड ट्रीज टू एब्जॉर्ब और ब्रेक डाउन पॉल्यूटेंट्स। बायो रिमेडिएशन इज द मैथड ऑफ रिमूविंग कंटेमिनेंट्स फ्रॉम इकोसिस्टम एंड फाइटो रिमेडिएशन इज अ टाइप ऑफ बायो रिमेडिएशन। यहाँ पे मेनली माइक्रोब्स का यूज़ होता है और फाइटो रिमेडिएशन जो है वो डिपेंड्स है प्लांट्स पे। बायो रिमेडिएशन कैन बी आइदर इन सीटू और एक्सीटू। यहाँ पे हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था, बायो रिमेडिएशन के मेनली टू टाइप्स है, इन सीटू यानी कि ऑन साइट पे भी हम बायो रिमेडिएशन कर सकते हैं और एक्सीटू यानी कि आउटर साइट पे भी हम बायो रिमेडिएशन कर सकते हैं। लेकिन फाइटो रिमेडिएशन जो है वो इन सीटू प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है हम ऑन साइट ही कर सकते हैं। देन इज मोर इको फ्रेंडली एंड इट्स कॉस्ट फ्रेंडली, यानी कि ये जो मेथड है फाइटो रिमेडिएशन वो बहुत ही चीप मेथड है। अब हम फाइटो रिमेडिएशन के बारे में देखते हैं। व्हाट इज फाइटो रिमेडिएशन? फाइटो रिमेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंटेमिनेशन फ्रॉम सॉइल और वाटर यूजिंग प्लांट्स। यहाँ पे फाइटो का मीनिंग होता है प्लांट और रिमेडियम यानी कि रिस्टोरिंग बैलेंस। So what is the exact definition of phytoremediation? It's bioremediations through the use of plants which mitigate yani ki to make something less harsh for the environmental problems without the need to excavate the contaminant material. एक्सकेवेट यानी कि डिग आउट, यहाँ पे हमें सोइल में से कोई खुदाई नहीं करनी है, कंटामिनेंट्स को रिमूव नहीं करना है एंड डिस्पोज ऑफ इट एल्सवेयर, और ये कंटामिनेंट्स को हमें कहीं और जाके डिस्पोज भी नहीं करना है। यहाँ पे सिंपल मेथड है, जहाँ भी कोई भी कंटामिनेटेड साइट प्रेजेंट हो, सोइल हो या फिर ग्राउंड वाटर हो, जो भी कंटामिनेंट्स हो, उस पर हमें सिर्फ प्लांटेशन करना है। जो भी प्रोसेस होगा वो प्लांट करेंगे, प्लांट सोइल में से या फिर वाटर में से ये जो पॉल्यूटेंट्स है उसको एब्जॉर्ब करेंगे और ऐसे ही पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं। सो फाइटो रिमेडिएशन कंसिस्ट ऑफ माइटिगेटिंग, माइटिगेट यानी कि कोई भी हार्स जो है जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेंट करता है। सो माइटिगेटिंग पॉल्यूटेंट्स कॉन्सेंट्रेशन इन कंटामिनेटेड सॉइल है, वाटर और एयर विथ प्लांट्स एबल टू कंटेन, डिग्रेड और एलिमिनेट मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, सॉल्वेंट्स, explosives, crude oils and its derivatives and various other contaminants from the media that contain them. How does phytoremediation work? Phytoremediation's ki mechanism kya hai, kaise work karta hai? So plant roots take contaminants from the ground into the body of the plant. यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर कोई contaminated soil है तो उसमें वो contaminated soil पे हमें plantation करवाना है, और इसके बाद जो main work होगा वो plant root का होगा। Plant roots जो है वो ग्राउंड में से कंटामिनेंट्स को टैक करेंगे यानी कि कंटामिनेंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे और प्लांट के बॉडी में यानी कि प्लांट के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, स्टेम्स है, लीव्स है, उसमें वो उसे ट्रांसफ़र करेंगे। सो द प्लांट रूट जोन इज रिफर्ड टू एज अ राइजोस्फीयर। यहाँ पे जो प्लांट का रूट जोन जो उसका मेन वर्क करता है उसे हम बोलते हैं राइजोस्फीयर। दिस इज़ वेयर द एक्शन अकर्स। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, प्लांट रूट का ये जो सराउंडिंग पोर्शन है सो इज कॉल्ड राइजोस्फीयर। सॉइल वॉल्यूम सराउंडिंग राइजोप्लैन अफेक्टेड बाई रूट एक्टिविटी। सो रूट का सराउंडिंग जो पोर्शन है उसे हम राइजोस्फीयर बोलते हैं, और रूट का जो ये सरफेस है जहाँ पे रिएक्ट होता है उसे हम राइजोप्लैन बोलते हैं। सो यहाँ पे मेनली जो वर्क होता है वो राइजोस्फीयर थ्रू होता है।
दिस सॉइल सपोर्ट्स लार्ज पॉपुलेशंस ऑफ डाइवर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये सॉइल पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ प्रेजेंट होगा. दिस इज ड्यू टू केमिकल एक्ज्यूडेट, यानी कि प्लांट रूट के दौरान कई सारे सिक्रीशंस होंगे, फ्लूइड एमिटेड थ्रू द रूट्स ऑफ प्लांट्स, उसे हम बोलते हैं प्लांट रूट एक्ज्यूडेट. सो रूट एक्ज्यूडेट्स आर कंपोज्ड मेनली ऑफ शुगर, एमिनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिंस एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स, दिस बिकमिंग अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द राइजोस्फेरिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो by plant roots which provides carbon and energy for the microbial growth, and this combination of plants and microorganisms appear to increase the biodegradation of compounds. Next, plants used to decontaminate soils must do one or more the following things. First of all, plants take up contaminants from the soil particles and soil liquid into their roots, then after bind the contaminants into their root tissue physically or chemically, then transport these contaminants from their roots into growing shoots and prevents or inhibits the contaminants from leaching out of the soil. So phytoremediations ke basically six types hai: phytoextraction, phytostabilization, phytotransformation or phytodegradation, phytostimulation or rhizodegradation, phytovolatilization and sixth one is rhizofiltration. Chalo ab usko hum one by one dekhte hai. इससे पहले मैंने ये फिगर में सारे के सारे टाइप्स को विथ फिगर आपको दिखाए हैं. फाइटोडिग्रेडेशन क्या होगा? फाइटोडिग्रेडेशन यानी कि पॉलिटेंट्स आर डिग्रेडेड बाय मिनरलाइज्ड बाय स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटी. प्लांट्स के अंदर जो भी एंजाइम एक्टिविटीज़ होगी वो प्लांट अगर रूट थ्रू ये शूट में ट्रांसफ़र होगा कंटामिनेंट्स, इसके बाद ये लीव्स में ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पे प्लांट्स के कुछ एंजाइम्स होंगे जो ये कंटामिनेट मटेरियल्स को डिग्रेड कर देंगे, उसको हम बोलते हैं फाइटोडिग्रेडेशन. फाइटोडिग्रेडेशन लीव्स में भी होता है एज वेल एज यहाँ पे रूट्स में भी होता है. और पॉलिटेंट्स आर रिलीज्ड इनटू द वोलेटाइल फॉर्म थ्रू द प्लांट, इसको हम बोलते हैं फाइटोवोलेटाइलाइजेशन. देन फाइटोस्टेबिलाइजेशन, पॉलिटेंट्स आर इमोबिलाइज्ड इन द सॉइल. देन राइजोफिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड adsorption of pollutants from the water. Then pollutants are degraded by growing shoot or microorganisms is called phytostimulation. And pollutants are accumulated, yani ki yahan pe concentrate ho gaye, accumulated in the harvestable parts of the plants is called phytoextraction. Chalo ab sare ke sare ye jo process hai phytodegradation, phytovolatilization, extraction, usko hum one by one dekhte hai. फर्स्ट ऑफ ऑल है फाइटो एक्सट्रैक्शन, यानी कि प्लांट के रूट्स जो है वो सॉइल में से कंटामिनेंट्स मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करेंगे. सो द अपटेक ऑफ कंटामिनेंट्स बाय प्लांट रूट्स एंड मूवमेंट ऑफ दिस कंटामिनेंट फ्रॉम रूट टू द अबोव पार्ट ऑफ द प्लांट. यहाँ पे रूट से ये सारे कंटामिनेंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे और उसको फर्दर उसकी मूवमेंट कहाँ पे होगी? प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स पे, लाइक शूट और रूट्स पे और ब्रांचेस पे. सो बाय एब्जॉर्बिंग, कॉन्सेंट्रेटिंग एंड प्रेसिपिटेटिंग द कंटामिनेंट्स इज नॉन एज फाइटो एक्सट्रैक्शन. देन सेकेंड वन इज फाइटो स्टेबिलाइजेशन. वॉट इज फाइटो स्टेबिलाइजेशन? इज वन टाइप ऑफ इमोबिलाइजेशन ऑफ कंटामिनेंट्स इन द सॉइल थ्रू एब्जॉर्प्शन एंड एक्युमुलेशन बाय रूट्स और प्रेसिपिटेशंस विद इन द रूट्स. सो इवेंचुअली the mobility of the contaminants is reduced, migration to groundwater is prevented and thus bioavailability of metal into food chain is reduced. यहाँ पे phytostabilization process में क्या होगा? एक तो root through absorption होगा और accumulation होगा, और root through ही उसका precipitation होगा, contaminants materials जो है उसका precipitation होगा. यानी कि सारी की सारी process root में ही stop हो जाएगी, आगे वो plant के कोई अलग अलग parts जो है उसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा. सो फूड चेन में बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि मेटल्स अगर फूड में प्रेजेंट होगी, यानी कि प्लांट के अपर पार्ट में कोई मेटल्स का एक्युमुलेशन होता है, वो नहीं होगा फाइटोस्टेबिलाइजेशन में. यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि ये जो सॉइल है उसमें कई सारे मेटल्स प्रेजेंट है, तो रूट क्या करेंगे? पहले उसको अपटेक करेंगे, उसके बाद मेटल का एक्युमुलेशन होगा रूट में, और इसके बाद कोई प्रेसिपिटेटिंग प्रोसेस या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान ये जो मेटल्स जो है वो रूट में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और रूट के एक्सिडुएट्स जो होंगे उसके साथ अगर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, और इसके बाद राइजोस्फीयर में उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, यानी कि सारी की सारी प्रोसेस यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगी.
कोई भी मेटल्स जो प्लांट के अपर अपर पार्ट्स जो है उसमें ट्रांसफ़र नहीं हो गए। तो अगर हम इस प्लांट को कोई फूड पर्पज़ थ्रू यूटिलाइज करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। फूड चेन में कोई भी मेटल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम मैंने आपको दिखाया कि सारी की सारी प्रोसेस जो है वो कहाँ पे ख़त्म हो गई, रूट में भी। रूट उसे अपटेक करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और इसके बाद रूट के जो एक्सुडेट है, मैंने आपको बताया कि मेनली एक्सुडेट्स लाइक शुगर, एमिनो एसिड, ये सारे के सारे फ्लूइड्स जो है वो रूट्स थ्रू एमिट होते हैं। तो उसके साथ ये कंटामिनेंट्स जो है, मेटल्स जो है वो कंबाइन हो गए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। इसके बाद ये जो सारा का सारा राइजोस्फियर है उसमें प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होगा और इसी तरह से ये कम्प्लीटली स्टेबिलाइज हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी मेटल्स का शूट में ट्रांसलोकेशन नहीं हुआ है, सो दैट इज़ कॉल्ड फाइटो स्टेबिलाइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस थर्ड इज़ अ फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन, इज ऑल्सो नोन एज फाइटो डिग्रेडेशन। यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा कंटामिनेंट्स मटेरियल का। सो कंटामिनेंट्स टेकन अप प्लांट्स बाय मेटाबोलिक प्रोसेसेस विद इन दी प्लांट्स, रिमीडिएट सम ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स सच एज क्लोरिनेटेड सॉल्वेंट्स, हर्बिसाइड्स एंड म्यूनिशंस। म्यूनिशंस इज अ मटीरियल्स यूज फॉर दी वॉर लाइक बॉम्ब्स एंड गन्स, यानी कि मिलिट्री सप्लाइज के जो कोई भी सॉइल पोर्शन होते हैं वहाँ पे एक्सप्लोजिव मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो उस टाइप के कंटामिनेंट्स को ये रिमीडिएट करेंगे। इट मीन एड्रेस कंटामिनेटेड इन सॉइल सेडिमेंट्स और ग्राउंड वाटर ऑल्सो। सो फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन इज द वन टाइप ऑफ बेसिक मैकेनिज्म्स। यहाँ पे जो प्लांट्स जो है वो सॉइल में से कंटामिनेंट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके प्लांट्स के जो अपर पार्ट्स जो है उसमें ये ट्रांसफ़र करेंगे और प्लांट्स अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस थ्रू उसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देंगे। यहाँ पे मैंने आपको ये फिगर दिखाया है, फाइटो डिग्रेडिंग एंजाइम्स डिग्रेडिंग पॉलिटेंट्स विद इन दी राइजोस्फीयर। और सेकेंड प्रोसेस मैंने आगे आपको बताया था कि फाइटो डिग्रेडेशंस प्लांट के अपर पार्ट्स में भी होते हैं एज वेल एज रूट पोर्शन भी फाइटो डिग्रेडेशन कैरी आउट करते हैं। सो अपर पार्ट्स में कई सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस हो गए और पॉलिटेंट्स को डिग्रेड कर देंगे। नेक्स्ट वन इज फाइटो स्टिम्युलेशन, और इसे बोलते हैं राइजो डिग्रेडेशन। फाइटो स्टिम्युलेशन इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कंटामिनेंट्स विद इन दी प्लांट रूट जोन और राइजोस्फियर। फाइटो स्टिम्युलेशन भी यहाँ पे ही सारी की सारी प्रोसेस जो है यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाएगी। इसमें प्लांट्स के अपर पार्ट्स का कोई यूज़ नहीं है। जनरली बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जनरली इस राइजोस्फियर में प्रेजेंट है वो ही ये फाइटो स्टिम्युलेशन की प्रोसेस कैरी आउट करेंगे। सो माइक्रोब्स इन राइजोस्फियर ट्रांसफॉर्म कंटामिनेंट्स टू नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये जो कंटामिनेंट प्रोडक्ट्स को नॉन कंटामिनेंट और टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो वर्क्स वेल इन द रिमूवल ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स। मेनली पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स को हमें रिमूव करना है। यहाँ पे जो प्लांट्स जो है वो फाइटो स्टिम्युलेशन प्रोसेस यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज फाइटो वोलेटाइलाइजेशन, इन्वॉल्व्स प्लांट्स टेकिंग अप कंटामिनेंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू वोलेटाइल फॉर्म्स। कंटामिनेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके उसको वोलेटाइल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड ट्रांसफरिंग देम इनटू एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर में उसको ट्रांसफरिंग करते हैं। सो वर्क ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हैवी मेटल्स कंटामिनेंट्स लाइक टीसीई यानी कि ट्राइक्लोरोइथिलीन। ये जो है वो ह्यूमन कार्सिनोजन है। टीसीई इज वाइडली यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग देन मेटल डिग्रीसिंग एंड एज अ केमिकल इंटरमीडिएट्स। देयरफॉर दे आर इजिली फाउंड इन अ वेरियस वाटर सप्लाइज। And mercury is a primary metal contaminant that is that this process has been used for. Then sixth one is rhizofiltrations. It's a absorption or precipitation onto plant roots or adsorptions of contaminants in the solution surrounding the root zone. Used to remediate extracted groundwater, surface water and waste waters with low contaminants. Majority ये जो rhizofiltration process जो है वो ग्राउंड वाटर या फिर वेस्ट वाटर में से कंटामिनेंट्स को रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। और अगर हम प्लांटेशन कराएंगे ये टाइप ये वेस्ट वाटर या फिर ग्राउंड वाटर के अपर लेवल पे तो ये सारे के सारे कंटामिनेंट्स राइजोफिल्ट्रेशन थ्रू रिमूव हो गए और यहाँ पे उसका एड्सॉर्प्शन होगा, अदरवाइज प्रेसिपिटेशन होगा प्लांट रूट्स के थ्रू। सो कंपेयर टू फाइटो एक्सट्रैक्शन दिस प्लांट मैकेनिज्म आर यूज टू एड्रेस द ग्राउंड वाटर रादर देन सॉइल। Which types of plant we are used for phytoremediation process? Plant species are selected for use based on factors such as ability to extract or degrade on contaminants of concern. Plant में extraction or degradation की ability होनी चाहिए
और ये जो प्लांट्स है वो लोकल क्लाइमेट्स में उसका बहुत अच्छा सा एडेप्टेशन भी होना चाहिए, उसका बायोमास हाई होना चाहिए, रूट स्ट्रक्चर भी डेप्थ होने चाहिए और सोइल के साथ उसकी कंपेटेबिलिटी भी और बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ग्रोथ रेट भी फास्ट होना चाहिए और एज ऑफ प्लांटिंग एंड मेंटेनेंस उसका प्लांटिंग और मेंटेनेंस प्रोसेस भी एकदम से ईजी होना चाहिए और एबिलिटी टू टेक अप लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर थ्रू दी रूट्स, उसके पास रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी लार्ज होनी चाहिए। यानी कि अगर हम कोई भी ग्राउंड वाटर में इस टाइप के प्लांट को ग्रो कराते हैं तो ग्राउंड वाटर जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसमें से कंटामिनेंट्स को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे मैंने कई सारे एग्जांपल्स दिखाए हैं जिस प्लांट्स को हम एज अ फाइटोरिमिडिएशन प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज हाइड्रेंजीज। हाइड्रेंजीज आर पॉपुलर ऑर्नामेंटल प्लांट्स basically grown for their large clumps of flowers. Their other speciality is that they are responsible for drawing aluminium out of the soil. अगर कोई भी soil में aluminium का contamination present होता है तो हम वहाँ पर ये plant grow करा सकते हैं और ये phytoremediation process carry out करेंगे। इसके बाद second one is water hyssop। इसका scientific name है Bacopa moniri। Removes lead, mercury and cadmium and chromium from bogs and wetland. Bogs or bogland is a wetland that accumulates peat as a deposit of dead plant materials. Then third one is willow trees. It absorbs cadmium, zinc and copper. Some examples यहाँ पे दिखाए हैं मैंने transgenic plants के। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होता है? सो द टर्म ट्रांसजेनिक प्लांट्स रिफर टू ए प्लांट हुज डीएनए हैज बीन मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग and this means that one or more genes from another species will be introduced and combined with the genetic materials of the plant to alter the characteristics of the original genomes. यहाँ पे मैंने दो examples दिखाए हैं transgenic plants के। Nicotiana tabacum expressing east metallothionein genes for higher tolerance to cadmium. Nicotiana tabacum plant में हमने east metallothionein genes को ट्रांसफ़र किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग थ्रू। अब उसके पास कैपेसिटी है कैडमियम कंटामिनेटेड सोइल पे हम उसे ग्रो कराएंगे तो कैडमियम को वो एक्सट्रैक्ट कर देगा और सोइल को कंटामिनेशन फ्री कर देगा। सेकेंड वन इज़ Arabidopsis thaliana ओवर एक्सप्रेसिंग मर्क्यूरी काइन रिडक्टेज जीन। उसमें हमने मर्क्यूरी काइन रिडक्टेज जीन को ट्रांसफ़र किया है सो ये जो है वो इसे हम यूज़ कर सकते हैं हायर टॉलरेंस टू मर्क्यूरी। अगर सोइल में मर्क्यूरी का कंसंट्रेशन हायर है तो उस सेल को कंटामिनेशन फ्री करने के लिए हम Arabidopsis thaliana ग्रो करा सकते हैं। सो ये जो है ये दोनों एग्जांपल है ट्रांसजेनिक प्लांट्स के। लास्ट व्हाट्स द कंक्लूजन ऑफ फाइटोरिमेडिएशन। सो ऑल्दो मच रिमेन्स टू बी स्टडीड फाइटोरिमेडिएशन विल क्लियरली प्ले सम रोल इन द स्टेबिलाइजेशन एंड रिमेडिएशन ऑफ मैनी कंटामिनेटेड साइट्स लाइक ग्राउंड वाटर वेस्ट वाटर एंड सोइल। The main factor driving the implementations of phytoremediation projects are low cost with significant improvements inside aesthetics yani ki positive appearance and potential for ecosystem restorations. So that's all about phytoremediations. Agar aapko koi question hai to aap mujhe comment box mein pooch sakte hai aur agar aapko ye video pasand aaye to like kijiye share kijiye aur ha channel ko subscribe karna mat bhoolna।